नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गिरी नदी के पावन तट पर स्थित हरिओम गौशाला गिरिपुल में 7 दिवसीय गौ महोत्सव आरंभ हो गया। हरिओम गौशाला के संचालक कपिल ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस गौ महोत्सव का आयोजन आम जनता के सहयोग से देश और प्रदेश की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा एवं क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि और आम जनमानस के कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस गौ महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इस कलश यात्रा ने गिरी नदी के पावन तट से आरंभ होकर यशवंत नगर की परिक्रमा करते हुए गौशाला में विराम लिया। इस गौ महोत्सव में गौ कथा एवं गौ हरि महिमा का व्याख्यान स्वामी प्रकाश चैतन्य की ओर से किया गया। ये गौ महोत्सव 15 अगस्त को विशाल हवन यज्ञ एवं भंडारे का साथ के साथ विराम लेगा। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। कृष्णा जय माता। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में ही ज्ञान है, विदित है, प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी हरिओम गौशाला गिरिपुल राजगढ़ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में ये पवित्र गौ महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जो कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 7 दिवसीय कथाएं हैं, जिसमें भगवत चर्चा, हरि चर्चा और कुछ जन जागरण के लिए कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के इस कथा का आयोजन दिव्य हुआ है। कुछ गौशाला के प्रकल्प हैं। सबसे पहला संकल्प और प्रकल्प ये हैं कि जन जागरण हो, ताकि हम लोग गाय को किसी भी प्रकार से असहाय बेसहारा मान करके सड़क पर ना छोड़ें। सबसे बड़ा अपराध जो आज हम लोग कर रहे हैं, वो अभिशाप से हम लोग गुजर रहे हैं, ये पाप अपराध हमसे ना बने। दूसरा, जितना भी हिमाचल प्रदेश का गोवंश जो सड़क पर है, असहाय है, बेसहारा है, वृद्ध है, बीमार है, लाचार है, दुर्घटनाग्रस्त है, उन समस्त गोवंश, एक भी गोवंश हिमाचल प्रदेश में कोई सड़क पर ना रहे, इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के ये गौ महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। 20-25 गाय से ये गौशाला प्रारंभ हुई है। आज लगभग 700-800 गोवंश आए हैं वर्तमान में, और आने वाले समय में कम से कम 5000 का संकल्प तो केवल हरिओम गौशाला ही करती है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक भी गोवंश कहीं सड़क पर ना हो, पूरे हिमाचल प्रदेश में पहले, और जब ये उद्देश्य पूरा हुआ तो पूरे भारतवर्ष में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम हिमाचल प्रदेश में एक भी गोवंश कोई सड़क पर ना रहे, इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर, इसी संकल्प को लेकर के ये गौ महोत्सव प्रारंभ होता है, हर वर्ष होता है। और धीरे धीरे हम लोग, हमारा जो उद्देश्य है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और जितने भी गौ भक्त हैं, गौ प्रेमी, आपसे निवेदन है 12 से 4 आप जरूर मिले हरिओम गौशाला गिरिपुल राजगढ़, नहीं तो प्रकाश चेतन यूट्यूब चैनल के माध्यम से और सर्वधर्म संगम टीवी चैनल के माध्यम से भी कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है। खुद जुड़े, अपने जो आपके साथी हैं, आपके जो जानकार हैं, आपसे जो लोग जुड़े उनको भी इस पवित्र संकल्प से, पवित्र गौ सेवा से जुड़े। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।